हमारे प्यारे देशवासियों, क्या हालचाल। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त टेक निर्भर चिन्मय। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉइज़ वन ओवर द ईयर ब्लूटूथ हेडसेट के बारे में, जहाँ पे इसको मैंने कुछ वक्त से यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस, और ये वीडियो इतना सा भी यूज़फुल या फिर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको तो पता है आप जैसे सब्सक्राइबर्स का प्यार ही हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए ज़्यादा मायने रखता है। और साथ में जो हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं, उनके कुछ कंप्लेंट्स आ रहे थे कि उनके पास नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ फिर से एक बार अनसब्सक्राइब करना है, फिर से सब्सक्राइब करना भी है, और साथ में जो बाजू में बेल आइकन होता है उसको दबा दीजिए और सारे नोटिफिकेशन से वो ऑल कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहले देख लेंगे इसके बॉक्स कंटेंट। तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो करीब 1300 से 1500 के आसपास है, और प्राइस को देखते हुए मेरे ख्याल से यहाँ पे नॉइज़ ने बहुत अच्छा काम किया है पैकेजिंग में, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी पैकेजिंग आपको देखने के लिए मिलते हैं ये बॉक्स के साथ ही। और यहाँ पे इसके अंदर आपको एक हेडफोन मिलेंगे, और यहाँ पे एक ऑक्सिलरी केबल है, और एक इस तरह से खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी केबल देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पे इसको चार्ज करने के लिए ये एक यूएसबी माइक्रो यूएसबी केबल है, और ऑक्सिलरी केबल है क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे ऑक्सिलरी पोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर और क्या है, ओके, तो ये कुछ प्रेम पत्र, मगर इन प्रेम पत्र पर रोहित शर्मा और नोरा फतेह की फ़ोटो है, तो जो इनके फैंस हो गए इनके लिए पढ़ना ठीक है, बाकियों के लिए कुछ से काम के नहीं है, तो ऑफ कोर्स इनको बाजू में रख देंगे। तो शुरुआत करेंगे इसके डिज़ाइन और इसके बिल्ड क्वालिटी से। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे नॉइज़ की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश की है। फिर इसका वो कुशनिंग हो या फिर इसके जो प्लेट्स हो अंदर के, जो मेटल से बने हुए हैं, साथ में इसकी जो पूरी बॉडी है वो प्लास्टिक से बने हुए हैं, मगर यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया है। ऑफकोर्स ये प्लास्टिक है इसलिए ये लाइट वेट भी बन जाता है, तो ऑफकोर्स बिल्ड क्वालिटी में यहाँ में नॉइज़ ने कोई भी कंजूसी नहीं की है। ये देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, और हाँ, पहनने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक बॉडी, जो स्टडी भी है और लाइट वेट भी है। यहाँ पे अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसके सारे ही पोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पे इसके कुछ बटन्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनको आप ऑपरेट करोगे। यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी आप फिट कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको FM रेडियो भी मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से नॉइज़ को 9 out of 10 मिलने चाहिए डिज़ाइन के मामले में, और ये डिज़ाइन इन इंडिया है, मतलब भारत में डिज़ाइन हुए हैं, तो ऑफकोर्स हमारा देश बदल रहा है। तो ओवरऑल इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी आप एक ओवर द ईयर हेडफोन्स ले लीजिए, आपको वहाँ पे 3D सराउंड का फील मिल जाएगा, क्योंकि आपको कानों को कवर कर लेते हैं पूरी तरह से, मगर यहाँ पे भी इसकी जो साउंड क्वालिटी वो भी डिसेंट है। यहाँ पे आपको जो बेस मिल रहा है वो थोड़ा सा कम मिल रहा है, मतलब मुझे तो इनफ लगा, मगर कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बेस सुनने की आदत है। मैं बहुत ज़्यादातर ज़्यादा बेस वाले हेडफोन्स या फिर गाने नहीं सुनता हूँ, मगर यहाँ पे जिन्हें ज़्यादा बेस पसंद है उनको इसका बेस थोड़ा सा कम लगेगा, मगर मेरे ख्याल से इनफ है। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसके बाकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी के, मतलब साउंड सेपरेशन हो, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन हो, या फिर म्यूजिक सेपरेशन हम जिसको कहते हैं, वहां पे ये अच्छी तरह से काम कर लेता है। टॉप नॉच तो नहीं है, मगर यहाँ पे जो कुछ भी क्वालिटी मिल रही है डिसेंट क्वालिटी है। और साथ ही में ये बहुत लाउड भी है, तो आपको 50-60% से ज़्यादा वॉल्यूम पर इसको सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये नॉइज़ क्रिएट करता है, तो ऑफकोर्स आफ्टर 50-60% दिस नॉइज़ बिकम्स नॉइज़ी। मगर यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया, जहाँ पे ये सडनली इसका जो एक हेडफोन है वो काम करना बंद कर देता है, मतलब अगर आपने कोई भी गाना सुन रहे हो आप उसको पॉज कर दिया, उसके बाद ये एक हेडफोन बंद हो जाता है, सिर्फ एक ही चालू रहता है, मगर वहाँ पे अगर आप वॉल्यूम डाउन या फिर वॉल्यूम अप की की प्रेस करते हो तो अब फिर से नॉर्मल मोड में आ जाएगा, मगर कुछ देर के लिए ये मोनो मोड में चला जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में पता नहीं, ये प्रॉब्लम है या फिर इसका फीचर है या फिर सिर्फ मेरे ही हेडफोन में ये प्रॉब्लम है, इससे इसके बारे में मतलब आप नॉइज़ से बात करनी पड़ेगी। मगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है जो मैंने फेस किया वो मैंने आपको बता दिया। साथ ही में अगर हम बात करें इसके कॉल क्वालिटी की, तो ठीक ठाक है, और हाँ, अगर आप इसको आउटडोर में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे सामने वाले को आपकी बात की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स इसका जो माइक होता है वो आपके मुंह से थोड़ा सा दूर रहता है, तो यहाँ पे ओवर द ईयर हेडफोन्स में ये थोड़ी सी आपको दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी और इसके ब्लूटूथ रेंज वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी में और ब्लूटूथ रेंज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये अच्छे से काम कर लेगा, मगर यहाँ पे इसकी जो बटन पोजीशन है उसको समझने में आपको थोड़ी सी देर लग जाएगी, और हाँ, यहाँ पे जो इसके बटन है उसके ऑपरेशन में थोड़ा सा लैग है, मतलब आप इसको प्रेस करते हो तो उसके बाद 1 से 2 सेकंड का ये लैग ले लेता है, विद इन सेकंड ये काम करेगा, हर वक्त ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है, मगर हाँ, यहाँ पे लैग तो है। और साथ में यहाँ पे आपको FM रेडियो भी मिलता है, जिसको ट्यून इन करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, मगर ट्यून इन करने के
बाद अच्छे से काम कर लेता है और साथ में ये ड्यूअल पेयरिंग को भी सपोर्ट करता है, तो ऑफ कोर्स आप अपने दो डिवाइस के साथ इसको यूज कर पाओगे। तो ओवरऑल अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप और इसके चार्जिंग के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है ओवरऑल 16 आवर्स का बैटरी बैकअप, मगर मेरे ख्याल से आप यहाँ पे 12 से 13 घंटे का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपको इतना मिल भी जाएगा। और साथ में अगर हम बात करें इसके चार्जिंग की, तो यहाँ पे कंपनी ने माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया है जिसकी वजह से इसको चार्ज करने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, मगर मेरे ख्याल से 1 से 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा और उसके बाद आपको 13 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा। तो अगर हम इसके फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, डिसेंट साउंड क्वालिटी, थोड़ा सा स्लगिश ऑपरेशन और एक बेस्ट बैटरी बैकअप मिलेगा। तो अगर आप एक ओवर द ईयर हेडफोन लेने की सोच रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसके बारे में आप जरूर सोच सकते हैं। तो ओवरऑल ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था इन हेडफोन्स के साथ। आप बताइए आपको हेडफोन्स कैसे लगे और खास करके वीडियो कैसा लगा। इसके बारे में कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर देने के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।